अब आप देखिए ना, बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला तो रामदास को शादी के वेदी के पास मिला, तो हो सकता है मुझे किसी तालाब के किनारे मिल जाए। क्या बात है, आपको तो कभी होना चाहिए। बनते बनते रहे। और पंडरपुर जी आपको क्या मिलता है? मैं कल जी कल मैं मास्टर के पास बैठकर गाड़ियों के हॉर्न सुनता हूँ। शायद मुझे मेरे जीवन का रहस्य किसी हॉर्न में मिल जाए। वाह पंडरपुर, वाह। चला पंडरपुर चला। ना मास्टर ना, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आज मैं अपने नए मेहमान काले के साथ रुकूंगा। अच्छा हाँ सही कहा, मेहमान जो भगवान का रूप होता है। दोनों मिलके अच्छे से ख्याल रखना। हाँ मास्टर बेफिक्र हो जाइए। हाँ इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरा रखना। अब ध्यान ही रखना, अपन गड़बड़ मत करना। चाहिए तो चाहिए। मास्टर समझा के जाओ सबको। मास्टर गया तो सब मन में चल गए। अरे डर गए। अरे मैं बोलता हूँ कसरत मत कीजिए आप। चोट लग गया? लगी। क्या लगी? कहाँ लगी? टट्टी का दे। छी छी छी। अरे कितनी बार कहे गंदे पराठे मत खाए, दबा ले यहाँ से। चल 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 मैं सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक। कितने अच्छे विचार है आपके देखो जी। मेरी सलाह में आप भी सिगरेट मत पिया कीजिए, वरना भगवान को कब प्यारे होंगे पता नहीं चलेगा। भगवान को प्यारे जब मैं छोड़ दूंगा। हाँ। अभी से बता दे रहा। अच्छा ठीक है बाबा, सिगरेट बंद कर देना। अच्छा मैं आपसे बात पूछिए, कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? आप मेरे मेहमान, कैसी आपत्ति पूछिए। आप अंधे कैसे हो गए? बुरी ना कैसे हो गए? अरे अभी तो जहां तक सेहत के लिए खराब ही है। शट अप, वो सिर्फ कहने के लिए था, अमल करने के लिए नहीं। लाइए सिगरेट पीजिए। अरे वो क्या है कि सीरियस बात करते वक्त मैं सिगरेट का उपयोग करता हूँ। सिगरेट से गंभीर माहौल तैयार होता है। बोलिए बोलिए। काले जी मुझे कैंसर। पंडरपुर आपको मजाक करने की आदत है, कुछ हल्के फुल्के विषय में बात करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ काले, मुझे कैंसर, वेलिंगटन एस्टियोसाइट्रोमा, ब्रेन ट्यूमर। आई एम वेरी सॉरी पंडरपुर। आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखिए और मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। काले, मनुष्य के दिमाग में गहरे भीतर अर्थात दिमाग के सेंटर के आगे पीछे कहीं ना कहीं एक ऑप्टिक काइज़मा होता है। आंखों को रोशनी की संवेदना देने वाली वो दो नर्व्स जहां क्रॉस होती है ना, वो जंक्शन, डॉक्टरी भाषा में उसे ऑप्टिक काइज़मा कहते हैं। सभी मनुष्य के दिमाग ठीक उसी तरह मेरे दिमाग में भी
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि किसी डाल पर बैठे कौए की भांति मेरे ऑप्टिक काइज़मा पर वेलिंगटन आइसोसाइट्रोमा बैठा। दिन ब दिन इसका आकार बढ़ता जा रहा है। कल पिछले एक साल में ये बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे अंधा होता गया। काले काले आप समझ रहे हैं ना? काले जी समझ रहे हैं। हम अंधे हैं, देख नहीं सकते, लेकिन कल्पना कर सकते हैं। वो नर्व, वो जंक्शन जहां पर वो दो नर्व क्रॉस होती, वो कैसा दिखता? जंक्शन पर एक गट्टू बैठा जी, मॉलिक्यूलर एस्ट्रोसाइटोमा। सही क्या? सही क्या? जब शुरू हुआ तो चने के आकार का, तब कोई तकलीफ नहीं थी इससे पहले। चने का मटर हुआ और मटर का कच्चा। धीरे धीरे आंखों के किनारों से दिखना बंद हो गया। कल पहले कभी सड़क पर जाते हुए तिरछी निगाहों से लड़कियों को ताड़ लेते, लेकिन अब तिरछी निगाह करने पर अंधेरा ही दिखाई देता है। कल धीरे धीरे ये अंधेरा सेंटर की ओर बढ़ने लगे, शटर की तरफ। तब तक कंचे का आंवला बन चुका था। आप समझ रहे हैं ना काले? हल्के फुल्के विषय बात करते हैं। नहीं सुनिए तो काले, जब आपकी जिंदगी में बहुत तकलीफें आती है ना, तो सबसे पहले अपने साथ छोड़ दें। अपने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। फिर डॉक्टर आदि जांच शुरू हुए, खून पेशाब सब टेस्ट हुए, एक उम्मीद थी, सब प्रॉपर चैनल से हुआ। कल अंत में दिमाग का स्कैन हुआ, कागजी नींबू बन चुका। डॉक्टर ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशनल बताया। रेडिएशन से एक दो स्कैन बढ़ेंगे, लेकिन रेडिएशन की तकलीफ उठाएगा कौन उठाएगा? रेडिएशन से बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। पंडरपुर जी, मैं रेडिएशन के बारे में सुन रखा है, बाल झड़ना, उल्टी, खून। मैं सुन रहा रेडिएशन के बारे में, लेकिन मुझे सच में तो मुझे सही से जानकारी नहीं है। पंडरपुर जी, आपको भी जानकारी।